इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ये भारत है मेरी जान, और हम आज एक ऐसे सड़क मार्ग में खड़े हैं जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और किसी हिमालय में जाने वाले मार्ग से कम नहीं। तो आप मेरे साथ आज मेरी यात्रा में देखेंगे इस मार्ग की पूरी हकीकत, जो कितना सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मध्य प्रदेश का ये वही स्थल है जिसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। ये वही स्थल है जो ढोगली के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और ये मोगली के नाम से एक कार्टून दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था, जिसमें एक गाना था कि जंगल जंगल पता चला है, बात चली है, चट्टी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये वही स्थान है जिसे इतने इको फ्रेंडली रूप से बनाया गया है ताकि जंगल में विचरण करने वाले जानवर भी कोई दिक्कत में ना आए, और बड़ी सुगमता से यहाँ पे विचरण करते रहें। तो आप आगे और देखेंगे यहाँ का बहुत ही रमणीय दृश्य और सुंदरता से भरा हुआ ये मार्ग। तो ये वही स्थल है जिसे आज पूरे देश में और विश्व में पैंच टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, और ये चीतों के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है ये पर्यटन स्थल। यहाँ पे पाए जाते हैं, और जंगली जानवरों में हिरण, बारहसिंगा और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे अलग अलग राज्यों से पर्यटन देखने के लिए आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का वह स्थल है जो सिवनी जिले में पाया जाता है, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर स्थान है। और यह पर्यटन स्थल उसी राष्ट्रीय राजमार्ग में है जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये बहुत लंबा एक मार्ग है जहाँ पे ये पैंच टाइगर रिजर्व वाला पर्यटन स्थल है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे जो दृश्यमान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शानदार रोड यहाँ पे बनाई गई है, और बहुत ही शानदार स्थान है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, और मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही मार्ग है जहाँ से जंगली जानवरों का आना जाना होता है। कई बार दिन में या रात में यहाँ से मार्ग से जब पार होते हैं जानवर तो दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे एक स्थानीय निवासी है, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या जानवर और मिलते हैं। आप बताएंगे यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? काली हिरण भी यहाँ पे पाई जाती है क्या? जिस कमरे के हमने सुना था कि काले हिरण भी कुछ यहाँ पे हैं, कुछ लोग बताते हैं या देखे हैं उन लोगों ने। तो आप यहीं ग्रामीण स्थल पे ही रहते हैं क्या? यहाँ पे बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहता है आपका? अच्छा, यहाँ आए होंगे रहने के लिए, ठीक है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी जो हमको बता रहे थे कि यहाँ पे और भी काफी जानवर पाए जाते हैं। Thank you.
देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।